बाबा बागेश्वर को लेकर एक लड़की काफी ज्यादा अनाप शनाप बोलती हुई दिखाई देती है। वो कहती हुई नजर आती है कि वर्ल्ड कप की पर्ची निकाली थी लेकिन ये सत्य नहीं हुई। ये वीडियो कम्प्लीटली आपको दिखाएंगे और उसके बाद हम सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सच में बाबा ने कोई पर्ची निकाली थी वर्ल्ड कप के बारे में या फिर नहीं, और उसके बारे में बताएंगे कि कहां पर ये चर्चा हुई थी जहां पे बाबा बागेश्वर ने वर्ल्ड कप के बारे में कुछ कहा था तो क्या कहा था। तो पहले ये वीडियो आप देखिए। ये पगला धीरेन्द्र शास्त्री को, इसको हम पगला इसलिए बोलते हैं कि इसका भविष्यवाणी जब सही वक्त आता है ना तब गलत हो जाता है। ये भविष्यवाणी किया था कि इंडिया इस बार जीतेगा वर्ल्ड कप, काहे नहीं जीता इससे पूछिए, जरा जवाब देगा। पर्ची निकाला था कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीतेगा, इससे जाके पूछिए काहे नहीं इंडिया इस बार जीता वर्ल्ड कप। ये बड़ा भविष्यवाणी करता है, बोलता डायरेक्ट हमारा बालाजी से कनेक्शन है, तो डायरेक्ट बालाजी से कनेक्शन है, झूठा इंसान का, फ्रॉड इंसान का, तो काहे नहीं इंडिया वर्ल्ड कप जीता, काहे नहीं इंडिया में ट्रॉफी आया, काहे ऑस्ट्रेलिया इंडिया में घुस के हमारे देश में घुस के हमारे हाथों से ट्रॉफी लेके गया, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे उसको दे रहे थे, लो शर्म नहीं आया उस समय उनको, नहीं आया तो काहे भविष्यवाणी झूठा किया था। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि एक नंबर का ढोंगी पाखंडी और एक नंबर का धर्म के नाम पर धंधा चलाने वाला इंसान है, लेकिन लोग मेरी बात को आज नहीं मान रहे हैं ना, यही लोग मेरी बात को उस दिन मानेंगे ना जिस दिन ये भी जेल के अंदर होगा। और आप लिख के रख लीजिए, ये 2 साल बाद जाए, 3 साल बाद जाए, 5 साल बाद जाए, ये जेल के अंदर अगर नहीं गया अपने पाप कर्मों की वजह। अच्छा, तो आपने इस लड़की ने जो जो कहा है वो तो सुन लिया, लेकिन अब सुनिए कि सच्चाई क्या है। बात है न्यूज नेशन टीवी के ऊपर बाबा बागेश्वर अपना इंटरव्यू देते हैं, जिसके अंदर वो इंटरव्यूअर होती हैं, वो पूछती हैं कि आपको क्रिकेट बहुत पसंद है और आप खेलते हैं या नहीं खेलते। वो कहते हैं कि बहुत पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता हूं। उसके बाद वो कहते हैं कि यहां पे आपने कोई पर्ची निकाली है, वर्ल्ड कप 2023 आ रहा है, कौन जीत रहा है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जवाब आता है कि इस तरह से मैं कोई पर्ची नहीं निकालता और मेरे में कोई दिव्य शक्ति नहीं है, गुरुजी दो आदेश देते हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग बोल देता हूं, वो सत्य हो जाता है। जबकि जो कोई आता है मेरे पास मैं उसी की पर्ची निकालता हूं, वो भी मैं नहीं निकालता, वो मेरे गुरुजी आदेश करते हैं और उन्हीं की पर्चियां निकलती हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप के बारे में इतना जरूर कहा था कि सब मंगलमय हो और ऐसा करते हैं कि हमारा ही देश जीते। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि ये मैंने पर्ची निकाल दी और इसके अंदर भारत नाम लिख कर आया है और अब भारत ही यहाँ पे जो वर्ल्ड कप है वो जीतेगा। तो ये जो यहाँ पे फैक न्यूज़ फैलाई जा रही है वो गलत है और इस तरह की न्यूज़ों से बचें।